मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। इन 3 दिनों के दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। मित्रों, इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले 3 दिनों का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आने वाले 3 दिनों के दौरान आपका व्यापार, आपका व्यवसाय कैसा बीतेगा। दोस्तों, इस अवधि के दौरान आपको अपने व्यापार, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी फैसला करने से पहले अपने सहकर्मी, अपने कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके कामकाज में आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारियों का साथ, आपके कर्मचारियों का सपोर्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय के दौरान इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों के दौरान अगर आप किसी भी काम से कोई भी यात्रा करते हैं तो यात्रा करने से आपको तुरंत फायदा नहीं होगा, लेकिन इस यात्रा के कारण आप अपने भविष्य के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत नींव बैठाने वाले हैं। इस नींव के कारण भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों के दौरान अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। आने वाले 3 दिनों के दौरान आपके जीवन साथी का साथ, आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप दोनों का संबंध बहुत ज़्यादा रोमांचक होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों के दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी बाहरी इंसान को इंटरफेयर करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी बाहरी इंसान इंटरफेयर करता है तो यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो यही था आपके आने वाले 3 दिनों का राशि फल। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के दौरान किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों के दौरान आपको स्नान ध्यान करने के बाद बाबा भैरव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने पूजा पाठ से अगर आप बाबा भैरव को खुश करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो यही था आपके आने वाले 3 दिनों का राशि फल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।